बंगाल में चुनावी शोर के साथ हिंसा का शोर भी तेज हो रहा है। इंटीरिया केस में एनआईए की जांच पर महाराष्ट्र की सियासत की गर्मी बंगाल तक कैसे पहुंच गई, समझिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा, गुंडागर्दी और बम के धमाकों को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। मंगलवार को पश्चिमी मिदनापुर की रैली में राजनाथ बंगाल को बम फैक्ट्री बताते हुए ममता सरकार पर वार किया। जिस दिन सरकार बना देंगे उसके दूसरे दिन से हम देखेंगे किसने अपने माँ का दूध पिया है जो बंगाल की धरती पर बम बना सके और लोगों के ऊपर बम फेंके। राजनाथ ने बंगाल में बम बनाने की बात कही तो इसकी आवाज महाराष्ट्र तक पहुंची। एंटीलिया केस में एनआईए की जांच को लेकर हो रही गर्मागर्मी से गुस्साई शिवसेना ने हमले का रुख राजनाथ की तरफ मोड़ दिया। तो आपकी एनआईए वहां क्यों नहीं घुसती? जैसे जिलेटिन की 20 टुकड़े मिले हैं मुंबई में जिलेटिन के, तो पूरी एनआईए वहां घुस गई है। अगर बम बन गए हैं तो आप चुप क्यों? ये आपकी भी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस को लेकर शिवसेना और बीजेपी में घमासान चल ही रहा है। बंगाल में ममता के समर्थन का ऐलान करने वाली शिवसेना ने रक्षा मंत्री की बात पर बिना मौका गवाए हमला बोल दिया। शिवसेना पहले भी कई बार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा चुकी है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।